ये आती है ना जब तेरा माई हमारे मतलब क्या दिमाग में चक्कर से आने लग जाते हैं और थोड़ी कमजोरी हाथ पैरों में आ जाती है और चक्कर से और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता हमारा। जिन लोगों को सजा होनी चाहिए उन लोगों को ये गली करके बम विस्फोट की आवाज़ आई थी, काफ़ी ऊंची आग लगी थी, धुआं का गुब्बारा उठा, काफ़ी लोग घायल पड़े थे। अभी लास्ट मेरी एविडेंस बाल न्यायालय में हुई थी। क्या इनकी पीड़ा सुन आपका भी मन विचलित हुआ? अगर हुआ तो जिंदा हो तो। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी न्याय प्रणाली के जिंदा होने पर संदेह होता है। 13 मई 2008, ये वो तारीख है जिसने न जाने कितने ही घरों के चिराग बुझा दिए, न जाने कितने ही लोगों को जिंदगी भर की पीड़ा दे दी। ये वो तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यही वो दिन था जब जयपुर शहर में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से लेकर चांदपोल हनुमान मंदिर तक लोगों की लाशें बिछ गई। जी हां, आज से ठीक 16 साल पहले आज ही के दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिविल वॉर बम धमाके हुए जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए और कुछ लोग कई सालों तक कोमा में रहे। इस दिन को आज भी लोग याद करके कांप उठते हैं, क्योंकि हमलावरों ने बमों का ऐसा जाल बिछाया था कि लोग जिधर जान बचाने को भागते वहीं मौत उनका इंतजार कर रही होती। ये आती है ना जब तेरा माई हमारे मतलब क्या दिमाग में चक्कर से आने लग जाते हैं और थोड़ी कमजोरी हाथ पैरों में आ जाती है और चक्कर से और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता हमारा। जिन लोगों को सजा होनी चाहिए उन लोगों को ये गली करके बम विस्फोट की आवाज़ आई थी, काफ़ी ऊंची आग लगी थी, धुआं का गुब्बारा उठा, काफ़ी लोग घायल पड़े थे। अभी लास्ट मेरी एविडेंस बाल न्यायालय में हुई थी। वो लोग जो चश्मदीद गवाह थे, वो लोग जिन्होंने अपनों को अपनी ही आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की, लेकिन इंसाफ तो दूर, आज 16 साल बाद भी उन पीड़ितों गवाहों और चश्मदीदों को फिर से गहरा जख्म मिल रहा है। वो जो 16 सालों से अपनी जान की परवाह किए बगैर और अपने दर्द से आगे बढ़कर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब मानो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, उनके सारे जख्म फिर से तब हरे हो गए जब जयपुर बम धमाकों में लिप्त आरोपियों को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। तो आइए सुनाते हैं आपको उन पीड़ितों और गवाहों की पीड़ा जो शायद न्याय प्रणाली और सरकार सुन नहीं पाई। हम मतलब काम कर रहे थे यहाँ पे, हमारे मोगरे का माल आता है ना, ये मतलब पैकिंग करना, माल मेलना, बर्फ लगाना, बिल्कुल एकदम से धमाका होया। पहले यहाँ हमारे यहाँ ट्रांसफार्म भी लग रहे थे, बंदर भी आते हैं, हमने देखा मतलब ट्रांसफार्म फट गया था, फिर बाद के अंदर बोले मतलब बम फट गया इधर, फिर इधर की तरफ मतलब फट गया कोट वाले की तरफ, जोर से धमाका हुआ। फिर यहाँ पे मतलब लोग आग चिल्लाने लगे बोले बम फूट गया, तो हम मतलब घबरा गया, हमारे पीठ के अंदर खून चालू हो गया और हमारे को चक्कर से आने लग गया और फिर मैं फट गया यहाँ पर घबरा के। अब फिर मतलब मैं यूँ चल गया सीधा हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल के अंदर और मतलब ऐसे भीड़ हो रही थी, फिर मतलब मैं वापस आके मेरी हालत नहीं थी, फिर मैं घर चल गया अपने मतलब गंगा पॉल। फिर उसके बाद में आप खुद पीड़ित परिवार से हाँ पीड़ित परिवार की क्या स्थिति है, क्योंकि सरकार से ना तो कोई मदद मिल पा रही है ना किसी प्रकार का कोई सहयोग मिल पा रहा है, क्या स्थिति है आपको? स्थिति ऐसे ये साहब हमारे को मतलब तबीयत खराब हो जाती है ऐसी टाइम पे, ये आती है ना जब तेरा माई हमारे मतलब क्या दिमाग में चक्कर से आने लग जाते हैं और थोड़ी कमजोरी हाथ पैरों में आ जाती है और चक्कर से और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता हमारे, और पहले से बिल्कुल कमजोर हो गया। आर्थिक स्थिति किस तरीके से डाउन हुई है? ये डाउन हो गई मतलब क्या हमारे यूँ मतलब घबराहट से, चिंता फिक्र से, अब भाई मतलब मर जाते तो क्या करते, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, मतलब इसलिए मैंने क्या घबराहट किया। सरकार ने न्याय के साथ अन्याय किया है,
जिन लोगों को सजा होनी चाहिए उन लोगों को ये भले कर दें। इस जंग से होता गया तो देश में शांति बनेगी नहीं। हर आदमी एक खौफ में और दहशत में जीता रहेगा, कभी कुछ भी हो जाएगा, कहीं भी विस्फोट हो जाएगा, ऐसे बड़े होते रहेंगे। तो लोग नाम बता दो। नाम बता दो। ओम प्रकाश। बताइए। मैं उस समय करीबन 7:30-7:15 का टाइम हो रहा था, हम 5-7 लोग यहाँ बैठे हुए थे। अचानक मेरे पास बड़ी चौपड़ से फ़ोन आया कि बोले यहाँ विस्फोट हो गया, तो हम देखने के लिए आगे चले गए। जब हम उठते गए तो उस स्थान पे बम विस्फोट की आवाज़ आई थी, काफ़ी ऊंची आग लग रही थी, धुआं का गुब्बारा उठा, काफ़ी लोग घायल पड़े थे। मैं दौड़ के थाने की तरफ गया, थाने से मैं आदमियों को सिपाहियों को और इनको बोला तो वो मेरे साथ दौड़ कर आए। उन्हें बीच रोड पर ही आए थे, इतनी देर में थाने पे बाहर विस्फोट हो गया, उसमें भी काफ़ी सिपाही वगैरह घायल हुए थे। फिर हम सिपाहियों के साथ में यहाँ आए, यहाँ घायलों को अस्पताल वगैरह पहुँचाया और पुलिस की सहायता से, निजी वाहनों में या पुलिस की सहायता से, जैसा भी साधन उपलब्ध हुआ उसकी सहायता से घायलों को हमने अस्पताल पहुँचाया। कितने लोग वहाँ पर इस घायल हुए? बम ब्लास्ट में टोटल बम 8 बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें 185 के आसपास घायल हुए थे। आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि 16 साल तक गवाह के रूप में आपने अहम भूमिका निभाई है, क्या आप लोगों ने भूमिका निभाई है? छोटी चौपड़ से कोतवाली थाने में मैंने रिपोर्ट दी थी, उसमें मैं 16 साल से निरंतर कोर्ट में एविडेंस के लिए जा रहा हूँ और अभी लास्ट मेरी एविडेंस बाल न्यायालय में हुई थी। वो ये कह रहे हैं भाई ये लास्ट है, अबकी बार से आपकी नहीं आएगी, आरोपियों को हम सजा दिलाने का मकसद है। आप वो जो घटना हुई थी उसके चश्मदीद गवाह हैं? बिल्कुल, मैं चश्मदीद। पीड़ित परिवारों की क्या स्थिति? पीड़ित परिवार अभी बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, सरकार की तरफ से जो मदद का आश्वासन दिया था वो उनको पर्याप्त मात्रा में मिला नहीं मिला जी। ये आती है ना जब तेरा माई हमारे मतलब क्या दिमाग में चक्कर से आने लग जाते हैं और थोड़ी कमजोरी हाथ पैरों में आ जाती है और चक्कर से और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता हमारे। जिन लोगों को सजा होनी चाहिए उन लोगों को ये भले कर दें। बम विस्फोट की आवाज़ आई थी, काफ़ी ऊंची आग लग रही थी, धुआं का गुब्बारा उठा, काफ़ी लोग घायल पड़े थे। अभी लास्ट मेरी एविडेंस बाल न्यायालय में हुई थी,